रउआ सबके स्वागत बाई एंटी लाइफ पर। और आज हम बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा में हुई एक ऐसी घटना की जो भयंकर वायरल हो रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दरअसल हुआ यूं कि भोजपुरी के हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की लाल टी शर्ट पर खूबसूरत एक्ट्रेस यामिनी सिंह फिदा हो गई और उनको अपनी गली में बुला लिया। यामिनी सिंह ने खेसारी लाल यादव से साफ साफ कह दिया कि कहियो हमरा गलिया आवा हो ललका टी शर्टवा वाला, जिसके बाद से ये बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। अब आप भी इधर उधर इमेजिन मत करिए बाबू, हम बात कर रहे हैं हिट मशीन खेसारी के नए गाने ललका टी शर्टवा की रिलीज होने के साथ ही हर सेकंड मैक्सिमम व्यूज के साथ रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। ये गाना बेहद एंटरटेनिंग है और इसमें खेसारी लाल के साथ यामिनी सिंह एक बार फिर धमाकेदार अंदाज में नजर आई हैं। इस जोड़ी की केमिस्ट्री दर्शकों को वैसे ही खूब पसंद आती है और इस गाने में भी ये दोनों बवाल काट रहे हैं। खेसारी जी के इस गाने को रिलीज के साथ ही कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों ने देख लिया और ये गाना तेजी से वायरल होने लगा। इस गाने में खेसारी जी एक सीधे साधे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके लाल टी शर्ट पे यामिनी सिंह फिदा हो गई हैं और उन्हें अपनी गली में आने के लिए इन्वाइट कर रही हैं। बस इसी छोटी सी क्यूट स्टोरी पर इस गाने को बनाया गया है, जो बेहद अलग और दिल को छू लेने वाला है। माना जा रहा है कि खेसारी जी का ये गाना भी चार्ट बस्टर लिस्ट में शामिल होने वाला है, लेकिन उससे पहले खेसारी लाल यादव ने कहा है कि ये गाना ललका टी शर्टवा मस्ती भरा सॉन्ग है, इसे हर दर्शक वर्ग के लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गाना जो भी सुनेगा वो इससे खुद को अलग नहीं कर पाएगा। इस गाने को खेसारी लाल यादव ने मशहूर भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज के साथ मिलके गाया है। गाने के लिरिक्स लिखे हैं अखिलेश कश्यप ने और म्यूजिक है आर्य शर्मा का। इस गाने के डायरेक्टर हैं आशीष सत्यार्थी। तो अगर आप हैं खेसारी भैया और यामिनी सिंह के फैन, तो अब तक तो आपने ये गाना सुन ही लिया होगा। तो कितना झूमे आप ये गाना सुनकर, हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मजा आया।